नमस्कार, 12 बजे के मौसम खबर में आपका स्वागत है। मौसम की तमाम बड़ी हलचलों के साथ मैं हूं आपके साथ सूरज निबोरिया। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं। गुरुवार को पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर बरसात के आसार, तो कल छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बादल बरसे। आज और कल जम्मू कश्मीर में कुछ जगह हो सकती है बरसात और बर्फबारी, तो कल हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बरसात और बर्फबारी की संभावना। दो दिन तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं, तो आज रायलसीमा में गर्म हवाओं के चलने के आसार। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करते हैं। दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बिजली चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार। साथ ही असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी बिजली चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। वहीं बात की जाए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो यहां आज कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही ओडिशा में आज कुछ जगहों पर बिजली चमक के साथ तेज हवाओं के चलने की संभावना है। वहीं दो दिन तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गर्म हवाओं के चलने के आसार। साथ ही आज रायलसीमा में भी कुछ जगहों पर चल सकती हैं गर्म हवाएं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा जी का, जो इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम खबर में। आनंद जी, बात की जाए तेज हवाओं के चलने की, तो देश के किन किन इलाकों में तेज हवाओं के चलने के आसार हैं? जी, गरज चमक के साथ बौछार जी और बिजली चमक सकती है, उसके साथ जो है झोंकेदार तेज हवाएं चल सकते हैं इक्का दुक्का स्थान पर जी। आज यानी कि बात करें 6 मार्च की, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। और बात करें 7 और 8 तारीख की, तो इसी तरह की तेज हवाएं चल सकते हैं इक्का दुक्का जगह में 7 तारीख को तटीय आंध्र प्रदेश में और 8 तारीख को जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और केरला में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी तमाम जानकारी देने के लिए। जी हाँ, ये तो थे आनंद जी। आनंद जी ने जानकारी दी कि देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलेंगी, गरज चमक के साथ छींटे पड़ेंगे, साथ ही बौछारें भी पड़ेंगी। और अब बात करते हैं तापमान। उड़ीसा में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं रायलसीमा में कई जगहों पर, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं असम और मेघालय की बात की जाए तो यहां के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। उत्तराखंड और राजस्थान की बात करें तो यहां के कई इलाकों में और गुजरात में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री कम रहा। मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान पंजाब के बठिंडा में रहा। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए अब जानते हैं कि आज और कल कहां कहां होगी बरसात। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बरसात और बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बरसात और बर्फबारी हो सकती है। वहीं गुरुवार को पंजाब और पश्चिम राजस्थान में कुछ जगहों पर बादल बरसेंगे। बात की जाए उड़ीसा की कुछ इलाकों की, तो यहां भी दो दिन कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। साथ ही आज गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं दो दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बादल बरस सकते हैं। आज और कल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बरसात के आसार हैं। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बादल बरसने की उम्मीद है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। साथ ही दो दिन तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं। कल तेलंगाना और तमिलनाडु में भी कुछ हिस्सों में बरसात के आसार बने हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मौसम की ताजा विस्तृत जानकारी लेकर फिर होंगे आपसे मुखातिब। तब तक के लिए विदा चाहेंगे। नमस्कार।